हमारी रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेशल किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो उन तक पहुंच सकें। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन स्पेशल किचन। स्पेशल किचन आज आपके लिए लेके आए हैं एग पराठा, जो बेहद ही सिंपल तरीके से बनाया गया है और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये और काफ़ी टेस्टी भी होता है स्टफी एग पराठा। तो चलिए बताती हूँ इसे कैसे बनाया जाता है। तो एग पराठा बनाने के लिए मेरे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, एक कटोरी गेहूं का आटा लिया मैंने, दो अंडे, प्याज बारीक कटा हुआ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में आटे को डालेंगे। आटे को मैंने छान के रख लिया हुआ था, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और उसको गूंद लेंगे। ना ही ज़्यादा हमें ढीला गूंदना है ये, ना ही ज़्यादा सख्त। थोड़ा पानी करके हम इसे गूंद लेंगे, इसको अच्छे से गूंद लेते हैं। अभी हम इसमें एक चम्मच ऑयल डाल लेते हैं और फिर से अच्छे से इसे मसल लेते हैं। तो ये देखिए आटा अच्छे से गूंद गया हुआ है। अभी हम इसे थोड़ी देर रेस्ट पे रखेंगे ताकि आटा जो है अच्छे से सेट हो जाए। जब तक आटा सेट होता है हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। अभी मैंने ये अंडे लिए हैं, इसको सबसे पहले मैं अच्छे से फेंट लूँगी। तो देखिए इसे अच्छे से मैंने फेंट लिया हुआ है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये प्याज। प्याज को आपने बहुत ही बारीक तरीके से काटना है या आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हो। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। अभी थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें नमक ऐड कर लीजिए और रेड चिल्ली पाउडर। एक बार फिर से फेंट लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से ये परांठा बन जाएगा। चलिए ये रेडी हो गया है, अभी हम अपने आटे को चेक करते हैं। तो देखिए आटा सेट हो चुका हुआ है, अभी हम बनाना शुरू करते हैं। तो इस आटे में से मैं कुछ पोर्शन ले लूँगी और उसका पेड़ा बना लूँगी। इसके ऊपर मुझे अभी डस्टिंग करनी है, तो ये थोड़ा हम इसके डस्टिंग कर लेंगे और उसको थोड़ा चपटा बना लेते हैं इस तरीके से। तो अच्छे से डस्टिंग कर ली है अभी, अभी हम इसे बेलेंगे। इसे हमें थोड़ा ज़्यादा ही बेलना है क्योंकि एक बार जब हमने इसमें अपनी स्टफिंग डाल दी फिर हमें दोबारा इसे नहीं बेलना है, तो इसे थोड़ा सा हम बड़ा ही बेलेंगे। अभी हमने बेल लिया है, अभी हम इसके ऊपर अंडा डालेंगे। थोड़ा फैला देते हैं। अच्छे से ये इस तरीके से हमने फैला लिया इसको। अभी हम इसको बंद कर लेंगे चारों तरफ से। अच्छे से बंद करना है। मैंने एक बर्तन ले लिया हुआ है जिसे मैंने गर्म कर लिया है और मुझे अभी गैस को सिम करना है और जो अंडा मैंने डाला है परांठे में उसको मैं इसमें डालूंगी ताकि अंडा भी अच्छे से पक जाए। पहले हम थोड़ा सा इसको एक साइड से पकने देंगे। अभी हम थोड़ा सा इसके ऊपर तेल डालते हैं। तेल या घी आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अभी इसको दूसरी तरफ से भी उल्टा देते हैं। फिर एक बार फिर से दूसरी तरफ भी उलटाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बना है ये। ये देखिए ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से बन चुका है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं और इसी तरीके से दूसरा भी बनाते हैं।
भी और सारे परांठे मैंने बना लिए हैं, और एक को देखिए मैंने बीच से भी काट के रखा है, काफ़ी अच्छे से ये स्टफ़ हो चुका हुआ है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो परांठे की पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।